बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अपने पति लालू प्रसाद यादव से रांची के रिम्स में मुलाकात कर रही हैं। राबड़ी देवी अपनी बेटी मिशा भारती के साथ यहां पहुंची हैं। 2 साल बाद अब पति पत्नी की मुलाकात होगी। अब तक लालू प्रसाद से मिलने राबड़ी देवी कभी जेल तक नहीं पहुंची थी। इधर लालू से राबड़ी की इस मुलाकात को सियासी गलियारे में झारखंड में महागठबंधन सरकार बनने से जोड़कर भी देखा जा रहा है। राबड़ी और मिशा रिम्स में मुलाकात की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पेइंग वार्ड के अंदर चली गई। चारा घोटाले के 4 मामलों के सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव से मिलने उनकी पत्नी राबड़ी देवी पहली बार रांची आई हैं। राबड़ी ने दिल्ली में अपनी आंखों का इलाज कराया। राबड़ी देवी यहां सुबह 11 बजे पहुंची है रांची एयरपोर्ट से। झारखंड राजद के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने राबड़ी देवी और मिशा भारती को रिम्स के पेइंग वार्ड में पहुँचाया। माना जा रहा है लालू परिवार में बड़ी बहू ऐश्वर्या राय के चलते बढ़ते तनाव के कारण ही अपने पति से मिलने पहुंची हैं। बताया गया है रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाजरत चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव से राबड़ी देवी अब थोड़ी ही देर में मिलेंगी। लालू की बहू और तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या ने तलाक के बीच में अपनी सास राबड़ी देवी पर मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया है। राबड़ी देवी की लालू से मुलाकात के लिए बिरसा मुंडा जेल प्रशासन से विशेष अनुमति ली गई है। इससे पहले रिम्स में लालू के परिवार से दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव, बेटी मिशा भारती रागिनी धन्नो समेत लालू से कई संबंधी भी यहां आकर मिल चुके हैं। तो अगर हमें आगे कोई खबर मिलती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया के लिए सुरभि की रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करी और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।